हम तो अपने बच्चों को अंग्रेजी तालीम तो दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को साइंस तो पढ़ा रहे हैं, हम अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी तो पढ़ा रहे हैं, हम अपने बच्चों को आईटी तो पढ़ा रहे हैं, हम अपने बच्चों को मेडिकल तो करवा रहे हैं, हम अपने बच्चों को दुनियावी तमाम तालीमात से आरास्ता करा रहे हैं। ठीक है, इससे इनकार नहीं, तुम दुनियावी तालीमात दिलाओ, तुम दुनिया की तालीम दो, लेकिन उसके साथ साथ अपने बच्चों को, अपने घर वालों को और तमाम मातहतीन को इल्म दीन भी तो सिखाओ, इल्म दीन से भी आरास्ता तो कराओ। लेकिन आज इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। कितने अफसोस की बात है कि आज माँ बाप के सामने उनका बेटा अगर नाचता है, उनका बेटा डांस करता है, तो लोगों को दिखाते नजर आते हैं कि देखो देखो मेरा बेटा नाच रहा है, मेरा बेटा डांस कर रहा है, मेरा बेटा छिटक रहा है। ये इस तरह से वीडियो बनाते हैं और क्लिप बना करके स्टेटस पर रखे जाते हैं, फेसबुक पर डाले जाते हैं, व्हाट्सएप पर डाले जाते हैं, शेयर किए जाते हैं कि हमारे बच्चा कितना अच्छा गाना गा रहा है, हमारा बच्चा कितना अच्छा डांस कर रहा है। कितने अफसोस की बात है। तुम्हें तो चाहिए था कि अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करते कि अपने बच्चों को फिल्मी गीत नहीं बल्कि नबी की नाच सुनने के लिए कहते, नबी की नाच सुनाने के लिए कहते, दुरूद सलाम पढ़ाने के लिए कहते। अरे अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज जो तुम अपने बच्चों पर सही तरबियत नहीं कर रहे हो, उनके डांस पर तुम खुश हो रहे हो, कहे कहे लगा रहे हो, हौसला अफजाई कर रहे हो, बच्चों की गलतियों पर हौसला अफजाई कर रहे हो, उन्हें तालीम नहीं दे रहे हो, उन्हें इल्म नहीं सिखा रहे हो, फिर क्या होगा? यही बच्चे जब परवान चढ़ेंगे, यही बच्चे दुनिया की तालीम में परवान चढ़ेंगे, यही बच्चे जब अंग्रेजी तालीम में परवान चढ़ेंगे, यही बच्चे टीवी और सीरियल के पसे मंजर में परवान चढ़ेंगे। जब बच्चा बड़ा होगा तो माँ के मर्तबे को ना वाकिफ होगा, बाप के मर्तबे से माँ वाकिफ होगा, फिर उसके बाद बाप को झिड़कता नजर आता है, माँ को झिड़कता नजर आता है, माँ को गालियां देता नजर आता है, बाप को धक्के मारता नजर आता है। ये हाल हो जाता है कि माँ बाप की लोग इज्जत नहीं करते। फिर वालिदैन दौड़ते हैं मौलाना के पास, इमाम साहब के पास जाते हैं, कहते कि कोई तावीज दे दो, हमारा बेटा नाफरमान हो गया है, हमारी बात नहीं सुनता। वजीफा पूछते हैं कि कोई वजीफा बताओ कि हमारा बेटा नाफरमान हो गया है, हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता। बताओ मुसलमानों, जब जो वक्त था कि उन्हें दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हमें सिखानी जरूरी थी, तुमने तो बताया ही नहीं कि माँ का मर्तबा क्या है, तुमने तो बताया ही नहीं बाप का मर्तबा क्या है, तुमने तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस उन्हें बताई नहीं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जो माँ के कदमों का बोसा लेगा वो गोया जन्नत के कदमों और जन्नत की चौखट का बोसा लेगा, तुमने तो वो हदीस बताई नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिदल्लाहु फी रिदल वालिद व सुख्तुल्लाहि फी सुख्तिल वालिद, कि बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है, बाप खुश होगा तो अल्लाह खुश होगा, बाप नाराज होगा तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। तुमने तो ये तालीम ही नहीं दी, तुमने तो दीन सिखाया ही नहीं, तुमने तो सुन्नतों वाली तालीम ही नहीं दी, फिर बच्चा तो बहक ही जाएगा। बहरहाल मैं बता ये रहा था मुसलमानों, दीनी तालीम बेपनाह जरूरी है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल मुस्लिम व मुस्लिमा, कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इल्म दीन हासिल करें, नमाज के फराइज सीखें, वजू का तरीका सीखें, उसकी पाबंदी करें, सुन्नतों को सीखें, ये तमाम इल्म दीन है, ये सब सीखा करें। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात में एक घड़ी इल्म दीन हासिल करना पूरी रात जाग करके इबादत करने से बेहतर है। रात में एक साथ इल्म दीन हासिल करना अपनी आदत बना लें कि कुछ ना कुछ जरूर रात में सोने से पहले सीखें, कोई इल्म सीखें, कोई किताब पढ़ें, किसी किताब का मुताला करें, हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस पढ़ लें। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सोशल मीडिया के जरिए जो महफिल सुन रहे हैं, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तालीमात, उनकी सीरत पाक, ये भी गोया आप इल्म सीख रहे हैं, ये भी नेकियां कमा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम को आप शेयर भी करते रहें ताकि दूसरे लोग भी सुनते रहें। बहरहाल मैं हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत पाक पर मैं बता रहा था कि उन्होंने तहसील इल्म इल्म कैसे हासिल किया। बड़ी सोबतें बर्दाश्त की, बड़ी मशक्कतें बर्दाश्त की, लेकिन इल्म हासिल किया।